केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। विदर्भ में 15 जून तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की यदि बात करें तो यहां बारिश से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पारस बैसवारे ने। जैसे जैसे तपती गर्मी ढलेंगी वैसे ही नागपुर में मानसून अपनी दस्तक देगा। इससे पहले आपको बता दें कि नागपुर में जितनी तेज गर्मी होती है उतनी तेज बरसात भी होती है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो नागपुर से नाले से सटे जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के सिविल लाइन परिसर में, जहाँ का नाला आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाले में पूरी तरह से जो घास है वो दिखाई दे रही है। नाला हमें मिटका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ये जो नाला है ये नाला पूरी तरह से मिट चुका है। इस वक्त हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस नाले की साफ सफाई नागपुर महानगर पालिका प्रशासन ने इससे पहले कभी की है क्या नहीं। क्या नाम आपका? सर सैयद जावेद है जी। सर इसकी सफाई सिर्फ जब असेंबली आती है जी, उसके पहले अक्टूबर में होती है सिर्फ नेताओं के लिए, ताकि नेता लोग सिविल लाइन्स में आते हैं उनको बास नहीं आना चाहिए, उनको मच्छर नहीं काटना चाहिए इसीलिए जी। बाकी हम जो रहते हैं, ये धार्मिक स्थल है, 100 साल पुराना धार्मिक स्थल है, यहाँ बच्चे आते सब आते, मच्छर है, गंदगी है, उनको सफाई का इससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यहाँ पे जो होता है नेताओं की सुविधा के लिए इसकी सफाई, और अभी 2 साल से यहाँ पे शीत अधिवेशन नहीं होने के कारण इसकी नाले की सफाई भी नहीं हुई है। और यहाँ पे ये नाला ऊपर से खुला रहने के कारण लोग पूरा धार्मिक कचरा जिसको बोलते हैं, चादरें, फूल और जो भी धार्मिक सामग्री रहती है, होटल वाले जितने सिविल लाइन्स में होटल चलाते हैं या कचरे वाले जो हम जितना चाहते हैं उनको रोकते हैं, लेकिन ये ऊपर से आप देख लो या कचरा डाल डाल के इसका पानी अड़ाते हैं, और यही पानी नागपुर के झाड़ों में भी जाता है। तो इसकी सुरक्षा करना कि ये पानी गंदा ना हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शहर में झाड़ लगे हुए हैं सर उस पर लोग बैठते हैं, उस पर बच्चे खेलते हैं, और ये पानी उन झाड़ों को दिया जाता है। तो ये पानी साफ रखना मनपा की पहली जिम्मेदारी होना चाहिए। क्या कहना चाहूंगे, नाला हमें पूरा मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा पूरा सर मिटता हुआ दिखाई दे रहा है, ना नाले की साफ सफाई होती ना इसकी सही देखभाल होती है, या मच्छर गंदगी सांप हमेशा निकलते रहते सर। अभी 4 दिन पहले ही निकले थे, जहरीले सांप है यहाँ पे, कोबरा है, धामन है, यहाँ सभी प्रकार के सांप निकलते रहते, ना सफाई होती ना प्रशासन की ओर से कोई देखभाल होता। अतिक्रमण बढ़ रहा है सर नाले के किनारे, जिस तरह वहाँ पे रामगिरी के पीछे एक अतिक्रमण बढ़ा, इसी तरह सर नाले के ये साइड अभी अतिक्रमण करने की तैयारी चली है। हमने कई बार कंप्लेंट की है मनपा में, लेकिन मनपा इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ कोई नेता अगर उनको बोलेगा या कोई जज उनको बोलेगा तो ही वो सुनती है, आम आदमी की हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है सर। यह है नागपुर का सिविल लाइन इलाका, जो नागपुर का सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ शीतकालीन अधिवेशन के समय में ही नाले की साफ सफाई की जाती है, पिछले 2 साल से यहाँ नाले की साफ सफाई नहीं की गई है। बहरहाल और भी जो नागपुर के जो इलाके हैं जो नाले से सटे हुए हैं, हम उनका जायजा लेंगे और देखेंगे कि प्रशासन ने बरसात से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। नागपुर के सिविल लाइन परिसर का जायजा लेने के बाद हम इस वक्त पहुँच चुके हैं नागपुर के घाट रोड परिसर में, जहाँ पर नागपुर की ऐतिहासिक धरोहर कहलाई जाने वाली नाग नदी ठीक मेरे पीछे है। आप देख सकते हैं कि नाग नदी इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाती हुई नजर आ रही है। हमें नाग नदी पर चारों ओर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। यदि हम मानसून की बात करें तो मानसून ने केरल में अपनी दस्तक दे दी, कुछ ही दिनों में मानसून का नागपुर में आगमन होने वाला है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि नागपुर महानगर पालिका प्रशासन बारिश से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। यदि हम इस नाग नदी की सुरक्षा दीवार की बात करें तो सुरक्षा दीवार भी पूरी तरह से टूट चुकी है, और सुरक्षा दीवार के ठीक बाजू से जो रास्ता जाता है ये रास्ता नागपुर के बैजनाथ चौक को जोड़ने वाला रास्ता है, ये नागपुर का मुख्य मार्ग माना जाता है। ऐसे में ये रास्ते पर दुर्घटना की आशंका लगाई जा रही है। इस मामले को लेकर हम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सुरक्षा दीवार अब तक का क्यों नहीं बन पाई। हर वर्ष बारिश में जो नुकसान होता है वो नुकसान हम सब लोग काफ़ी करीब से देखते हैं, और उस नुकसान को देखते हुए ऐसा मनपा प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका निभा के मुख बैठा है
और हम इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नागपुर महानगर पालिका इतनी बड़ी नदी और आने वाले समय को देखते हुए जिस प्रकार मानसून में बारिश की क्षति होती है बारिश के कारण, उस क्षति को ध्यान रखते हुए मनपा प्रशासन ने लगभग मेन रोड और ग्रेट नागर को जाता हुआ रोड और उसकी सुरक्षा दीवार को जिस हम देखते हैं तो ये सुरक्षा दीवार से दो प्रकार से हानि हो सकती है। कभी ट्रैफिक कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो आने वाली गाड़ी भी किसी भी कारणवश नाले की सुरक्षा दीवार न रहते हुए नाले में जा सकती है, भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और उसी प्रकार अगर बारिश का बहाव या अगर बारिश तेज आती है 2 या 5 घंटे के अंतराल में लगातार बारिश होती है तो ये सुरक्षा दीवार जो नहीं है, इस सुरक्षा दीवार और रोड में अंतर खत्म हो चुका है। लगभग हमने पिछले बारिश का अनुभव हमारा ऐसा है कि यहाँ पे रोड और नाले का जो लेवल है एक जैसा था, उस कारण बहुत सारे जानवर और इंसानों का जानमाल का नुकसान हुआ था। तो मनपा प्रशासन से हम ये बात की मांग करते हैं 11 अप्रैल से नागपुर की जो तीनों नदियां हैं, नाग नदी, पोहरा नदी और पीली नदी, उसका सफाई अभियान हमने चालू किया हुआ है और हमारी कोशिश ये थी कि वो 30 तारीख तक खत्म हो जाए, लेकिन इस बार कोविड का प्रादुर्भाव था इसलिए हम मैन पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और खाली मशीनरी से हम लोग उसकी सफाई कर रहे, तो थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन हमारा विश्वास है कि एक या ये 6 तारीख के पहले तक, जब तक मानसून आएगा तब तक सारी की सारी नदियाँ क्लीन हो जाएगी, क्योंकि 18.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच अभी हमारा क्लीन हुआ है। आने वाले 2-3 दिन में जो भी बचा हुआ काम है वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। क्या कहना चाहूँगी अविनाश जी, इन 24 न्यूज़ ने जब जायजा लिया तो पाया जायजे में कि घाट रोड परिसर में जो नाग नदी की जो सुरक्षा दीवार है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। यदि हम सिविल लाइन परिसर की बात करें तो सिविल लाइन परिसर में भी नाले की कुछ भी सफाई नजर नहीं आई। क्या कहना चाहोगे? नहीं, जहाँ पर मशीन से सफाई करने की आवश्यकता थी वहाँ पर हमने मशीन से सफाई करना, हमारा लगभग मशीन की सफाई खत्म होने आ रही है। सिविल लाइन्स या फिर जहाँ पर जैसा आप जो एरिया बोलते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हमें मैन पावर के माध्यम से वो साफ सफाई करनी पड़ रही है, लेकिन कोविड में हमारा सारा का सारा मैन पावर जो है वो मेडिकल, मेयो और कोविड पेशेंट में बिजी था, इसलिए वो मैन पावर को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमने प्रशासन को डायरेक्शन दिए कि जहाँ जहाँ पर मैन पावर के मतलब हमारे जो सफाई वर्कर है उनके माध्यम से हम लोग जो नदी की सफाई करते थे उन्हीं को फिर से इस्तेमाल करके वहाँ पर नदी की सफाई की जाए। मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में वो वहाँ पर की जो सब जहाँ जहाँ पर सफाई बची वो पूरी तरह से हम लोग कम्प्लीट कर पाएंगे। शहर को बारिश के दौरान कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यदि हम मौसम की बात करें तो केरल में मानसून ने अपना बिगुल फूंक चुका है, वहीं समूचे विदर्भ में 15 जून के बाद बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। ऐसे में इस खबर को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि प्रशासन द्वारा अधूरे पड़े कार्य को धरातल में पूरा किया जाए, नागरिकों को खबरदार किया जाए ताकि आने वाली बरसात में कोई जान मान का नुकसान न हो। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष बैसवारे के साथ पारस बैसवारे, इन 24 न्यूज़, नागपुर।